हम बनाएंगे बीफ वंडालू। तो ये मैंने बीफ लिया है हाफ के जी और इसे मैंने बॉईल कर लिया है थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया है। और जब ये हाफ गल गया तो फिर मैंने थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून इसमें नमक डाल के इसको पूरा बॉईल कर लिया। इसमें जाएंगी दो प्याज बड़े साइज की और टमाटर पेस्ट है, ये मैं डालूंगी 2 से 3 टेबल स्पून। अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून कुटा हुआ। और मसाले में दिखा देती हूँ, कश्मीरी पाउडर और रेगुलर लाल मिर्च पाउडर मैं मिक्स करके रखती हूँ, ये मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। नमक 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून भर के देंगे। और ये एप्पल साइडर विनीगर है, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून और इसमें 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर मिलाया है। थोड़ी सी मेथी जाएगी 1/2 टी स्पून। साबित गरम मसाला लिया मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है 1/2 टी स्पून, 3 लौंग हैं, 10 काली मिर्चें हैं, इलायची है और 1 तेज पत्ता है, 2 इलायची 1 तेज पत्ता है, जीरा है ये कुटा भुना और धनिया साबित कुटा भुना और काली मिर्चें कुटी भुनी, ये मैं पीस कर रखती हूँ। ये लिया मैंने 1 टेबल स्पून और ऑयल जाएगा इसमें 1/2 कप से कम डालूंगी मैं। ये देखिए मैं यहाँ पे ऑयल गरम कर रही हूँ, इतना लिया मैंने 1/2 कप से भी कम है ये। और मेथी हमारा बहुत गर्म है, ये हो गया, मैं इसमें प्याज डालूंगी। और प्याज को हमें सिर्फ नरम करना है। देखिए जी हम इसे अभी नरम कर रहे हैं, प्याज को लाल नहीं करना है, नरम करना है। और अदरक लहसुन कुटा हुआ ये मैं डाल दूंगी। और ये टमाटर पेस्ट 2 से 3 टेबल, ये बहुत गाढ़ा वाला है तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं हो तो 3 टमाटर पीस के छान के वो भी डाल सकते हैं। ये सिरका और जो मैंने वो किया था दोनों सिरके मिला के ये भी डाल देंगे। और ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनूंगी। ये देखिए जी हमारा अच्छे से भून गया और प्याज भी मिक्स हो गई है। अब मैं खाली गोश्त उठा के इस स्टेज पे कच्चा गोश्त डाल दीजिएगा और डाल के भूनिएगा। भूनने के बाद कुकर में डाल के इसको पका लीजिएगा। मेरा पका हुआ है इसलिए मैं कुकर में नहीं डाली, हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ये पानी डाल दूंगी, इसी की जो यखनी बची थी जिसमें मैंने बॉईल किया था ये मैं डाल दूंगी सारा। डाल के आंच तेज कर देंगे। ये देखिए जी ये सब तरफ से पक रहा है, मैं इसे ढक के पकाऊंगी दरमियानी आंच पे, 10 मिनट पकाऊंगी दरमियानी आंच पे। और इसको हमें मसाले को थोड़ा सा ड्राई करना है। ये देखिए जी 10 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखते हैं, हमारा पानी ड्राई हो गया है। हमें इसमें जो मैंने मसाला दिखाया था आपको, धनिया कुटा भुना और जीरा कुटा भुना
और काली मिर्चें कुटी भुनी, ये सब मैं पीस के रखती हूँ। और उसमें से मैंने एक टेबल स्पून लिया है, फिर मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्चें, लंबाई में काट लिए मैंने, और धनिया ये मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। मैं इसे ढक के 2 मिनट दम पे रखूंगी। ये देखिए, मैं इसे खोल के देखते हैं, इसकी आंच तेज कर देंगे और इसको सिर्फ 1 मिनट भून लेंगे तेज आंच। हमें जो चीजें डाली थी उसका फ्लेवर आती है गोश्त में, हम आंच तेज करके इसको भून लेंगे। हो गया हमारा, मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे साफ कर दूंगी। ये देखिए, हमने निकाल लिया इसे, देखिए, और इसे सादे राइस के साथ मैंने सर्व किया है, और सादे राइस मैं बना चुकी हूँ, वीडियो में चेक कर लीजिएगा, और ये बनाएगा और मुझे बताएगा कैसा लगा।